आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिले के विद्युत उपकेंद्र मुबारकपुर में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य हो कि प्रशासनिक फेरबदल के चलते विद्युत विभाग के कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इसी कड़ी में मुबारकपुर से आजमगढ़ के लिए जूनियर इंजीनियर चंदन यादव, सहायक अभियंता व सहायक अभियंता TJ2 से प्रोन्नत हुए जूनियर इंजीनियर सुरेश यादव, सेवानिवृत्त लाइनमैन श्याम यादव को स्मृति चिन्ह माला और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अशासी अभियंता रामपाल सिंह यादव ने किया और संचालन प्रभु नारायण प्रेमी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्वान मुख्य अभियंता विद्युत वितरण आजमगढ़ अनिल नारायण सिंह रहे। वर्तमान सहायक अभियंता मुबारकपुर शत्रुघ्न यादव ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि जब से मुख्य अभियंता महोदय ने मंडल का कार्यभार ग्रहण किया है, तब से यहां के सभी कर्मचारी संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। किसी कर्मचारी को किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मुख्य अतिथि अनिल नारायण सिंह ने कहा कि कोई भी विभाग टीम भावना से ही आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, TJ2 लाइनमैन एवं संविदा कर्मचारियों के बल पर ही राजस्व वसूली बढ़ा है। इसके लिए मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ये लोग इससे भी बेहतर कार्य करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर रामपाल सिंह यादव ने कहा कि आज एक होकर टीम भावना से कार्य करने की जरूरत है। इस मौके पर विचार व्यक्त करने वाले में TJT के नेता जयप्रकाश यादव, जूनियर इंजीनियर चंदन यादव, इंजीनियर विजय यादव, नेता आशीष पांडे, इंजीनियर राजेश श्याम यादव, इंजीनियर रमाकांत यादव, जिला अध्यक्ष प्रकाश यादव, वेद प्रकाश यादव, आशीष सिंह, धीरज सिंह पटेल सहित आदि लोगों ने विचार व्यक्त किया। इस मौके पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे ने मुख्य अभियंता के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। पालन कर रहे आजमगढ़ की बिजली विभाग के गौरव शान परम आदरणीय प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी आज इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के मुख्य अभियंता आदरणीय चीफ साहब। चीफ साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि चीफ साहब को अभी आए हुए चंद दिन ही हुए हैं लेकिन ये सबसे मिल घुल गए हैं, ये सबकी बातों को सुनते हैं और सबकी समस्याओं का निदान करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आप आजमगढ़ में आए हैं, इस मुबारकपुर की धरती पर आए हैं, मैं आपका तू हूँ, चाहे और अभियंता हो चाहे अधिकारी हो, सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा, तब हम लोग जो है उस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे जो टारगेट हमें दिया जाता है प्रबंधन के द्वारा। तो यह जो है आयोजन इस प्रकार जो किया जाता है बीच बीच में, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ संगत और पंगत बोला जाता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है। संगत मतलब संग, हम लोग जो संग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हालचाल लेते हैं, दुख सुख के बारे में जानते हैं, ये संग है। और पंगत अभी जैसे हम लोग साथ बैठ के नाश्ता भोजन करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो यह जो है कोई खाई नहीं होनी चाहिए अधिकारी और कर्मचारी में, एक दूसरे के पूरक हैं, सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी ये संस्था चलती है। और यह मुबारकपुर में तो मेरा प्रथम आगमन हुआ आज, और यह स्थान इतना दिव्य लग रहा है हमें कि आते ही मैंने देखा कि साईं बाबा का ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। तो सबसे पहले हमने दर्शन किया उनका और भगवान से प्रार्थना किया कि यहाँ पे सभी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं सुखी रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।